बोले भारत माता की, एक स्वर में आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, कृष्ण कन्हैया की, राधे मैया की, बलदाऊ भैया की, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं की। ठीक है, मंच पर विराजमान भारतीय जनता युवा मोर्चे के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद, और मुझे पता चला कि रात में भारी वर्षा यहां हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के निवास पर जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछने वाले हमारे अध्यक्ष भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे मार्गदर्शक, आदर और श्रद्धा के केंद्र, संगठन के कुशल शिल्पी श्रद्धेय रामलाल जी, यहीं से हमारी यशस्वी सांसद बहन श्रीमती हेमा मालिनी जी, राहुल कोठारी जी, अनुराग सिंह देव जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, दया शंकर जी, युवा मोर्चे के सभी पदाधिकारीगण, और इस अधिवेशन में भाग ले रहे मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस अधिवेशन में स्वागत करता हूं। और अनुराग साहब ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, और आज जो स्थान मैं यहां नौजवानों में देख रहा हूं, उसको देखते हुए कह सकता हूं कि माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल हमारा है। और जोश और उत्साह से भरे हुए इन युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को देख के मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के निर्माण के अभियान से रोक नहीं सकती। मोदी जी के नेतृत्व में अभियान लगातार जारी रहेगा। माननीय मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पॉलिसी पैरालिसिस समाप्त हो गया, फैसले फटाफट किए जा रहे हैं, महंगाई घट रही है, विकास दर बढ़ रही है, देश का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में नए सिरे से स्थापित किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। एक जमाना वो भी हमने देखा है जब भारत के प्रधानमंत्री को कोई ढंग से पहचानता नहीं था, लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, एक नहीं अनेकों योजनाएं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्लीन इंडिया, जनधन योजना, गरीबों के बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और देश की दुनिया की अब तक की सबसे अच्छी किसानों के लिए फसल बीमा योजना बनाने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, मैन ऑफ आइडिया है, आइडियाज का भंडार है उनके पास, और केवल आइडियाज नहीं है, उनको जमीन पर उतारने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी मोदी जी के पास है। आज मोदी जी दुनिया के जिस भी देश में जाते हैं, वो देश मोदीमय हो जाता है। एक जमाना था कोई पहचानता नहीं था भारत के प्रधानमंत्री को, अब अमेरिका जाओ तो मोदी मोदी, इंग्लैंड जाओ तो मोदी मोदी, कनाडा जाओ तो मोदी मोदी, फ्रांस जाओ तो मोदी मोदी, जर्मनी जाओ तो मोदी मोदी, जापान जाओ तो मोदी मोदी, पूरी दुनिया में मोदी मंत्र गूंज रहा है, और कहते हुए सीना गर्व से फूल जाता है कि मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के सबसे प्रिय, सबसे लोकप्रिय नेता है। आज वैश्विक नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री उभरे।
अब दुनिया तो मोदी मोदी कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस भी मोदी मोदी, कांग्रेसी भी मोदी मोदी करते हैं। सुबह मोदी, दोपहर को मोदी, शाम को मोदी, और रात को सपने में भी मोदी दिखाई देता है। नींद से चौंक के उठ जाते हैं और सपने में भी चिल्लाते हैं मोदी 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 मोदी। जैसे बैल को अगर कोई लाल कपड़ा दिखा दे तो वैसे भड़क जाता है, वैसे मोदी जी का नाम सुन के बिचकते रहते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस के मित्र जानते हैं हमारे सारे प्रतिपक्षी जानते हैं कि जिस तेजी से मोदी जी भारत को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं आने वाले वर्षों में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का नाम लेवा हिंदुस्तान में नहीं बचेगा, नाम लेवा हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। इसलिए मोदी जी आंखों के कांटे बन जाते हैं। मुझे गर्व है मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। और अभी मेरे मित्र डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के बारे में आपको बताया, मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। और आज इस डाइस पे खड़े रह के पूरे विश्वास के साथ शिवराज सिंह चौहान ये कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत कि जिसके नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो सीना तान के कहेंगे कि हम भारतीय हैं, ऐसे भारत का निर्माण होने वाला है। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्वमानवता को हमारा देश शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन बाकी जहां जहां भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे नौजवान मित्रों, विकास के नए प्रतिमान गढ़ रही है। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के बात कर रहे थे, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे मित्रों, ये मध्य प्रदेश जब वर्षों तक कांग्रेस के राज था, 60 साल लगभग कांग्रेस ने राज किया, देश का पिछड़ा राज्य था, बीमारू राज्य था, सड़कों की हालत ऐसी थी कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है पता ही नहीं चलता था। अगर गाड़ी में बैठ जाओ तो लगता ही नहीं था कि गाड़ी में बैठे, ऐसा लगता था जैसे नदी में नाव में बैठे, कभी ऊपर ऊपर जाती थी कभी नीचे आती थी। आज मध्य प्रदेश में 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे दिया है। बिजली आती कमती जाती ज्यादा थी। और आज गर्व के साथ मैं कहता हूं डॉक्टर रमन सिंह की तरह कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो गांव में भी 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे 24/7। उत्तर प्रदेश के मित्र जो सीमावर्ती गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली की क्या हालत है। अब तो अगर दिल्ली को भी बिजली की जरूरत पड़ती है तो मध्य प्रदेश से हम बिजली सप्लाई करते हैं। 2900 मेगावाट जब कांग्रेस की सरकार थी तब उपलब्धता थी, आज बिजली हमारे पास 16,500 मेगावाट और आने वाले वर्षों में 20,000 मेगावाट बिजली हो जाएगी। कोई कमी नहीं, अंधेरा मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी 7.5 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होती थी। कांग्रेस, अंग्रेज, राजा, नवाब सबने मिलकर की 7.5 लाख हेक्टर, और 10 साल में ये बढ़ के हो गई 36 लाख हेक्टर। मेरे नौजवान मित्रों, 36 लाख हेक्टर हमने छोटे बांध, बड़े बांध, मध्यम बांध और तो और नदियों को जोड़ने का अभियान, अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर साकार किया है। नर्मदा जी के पानी को 350 मीटर लिफ्ट करके 90 किलोमीटर दूर ले जाकर छिपरा जी में डाल दिया है, और मालवा को सस्य श्यामलाम बनाने का काम किया है। अभी नर्मदा छिपरा जुड़ी है, अब नर्मदा गंभीर को जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ है। नर्मदा काली सिद्ध जोड़ेंगे, नर्मदा पार्वती जोड़ेंगे, और अब तो प्रिय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना दी है। नौजवान मित्रों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मैं अपना यह संकल्प व्यक्त कर रहा हूं कि 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करके मध्य प्रदेश के किसानों को दे देंगे। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की विकास दर माइनस होती थी, निगेटिव नकारात्मक विकास दर। और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं गुजरात जैसे हमारे राज्यों या आज मध्य प्रदेश, लगातार 8 साल से मध्य प्रदेश की विकास दर 10% के ऊपर बना ले जाने का चमत्कार हुआ है, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और कृषि विकास दर आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते गर्व से कह सकता हूं
कि कृषि विकास दर के मामले में अगर 2-3% एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है तो आदर्श मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर है लगातार 4 साल से 20% के ऊपर, 20+। भारत में नहीं, दुनिया में संभवतः सबसे ज्यादा कृषि विकास दर वाला प्रदेश अगर कोई है वो मध्य प्रदेश है मेरे नौजवान मित्रों। मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ, अभी प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बनाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में खेती को फायदे का धंधा बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ाया, दूसरी तरफ कांग्रेस के जमाने में, हम तो कांग्रेस के मित्रों से जवाब चाहते हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं, आज किसान याद आ गए, आज खेती की बात करने लगे। अरे जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 18% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलता था, 18%। हमने घटा के पहले किया 9%, 9 से किया 5%, 5 से किया 3%, 3 से किया 1%। फिर दिल ने कहा शिवराज, अरे किसान का कर्जदार तो सारा हिंदुस्तान है, इससे क्या ब्याज लेना, बिना ही ब्याज के कर्जा दे दो। तो बिना ब्याज के कर्ज देना शुरू कर दिया। भाजपा शासित राज्यों में 0% ब्याज पे कर्जा, और अब मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता अगर आए हुए हैं तो जानते होंगे, अब 0% ब्याज पे कर्जा नहीं देंगे। अगले साल से तो खाद और बीज के लिए 1 लाख ले जाओ तो कितने वापिस दे जाओ, 90,000 वापिस दे जाओ। ये चमत्कार भी मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। किसान हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। सीड रिप्लेसमेंट की दर हमने बदली, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन कृषि में देश को सिरमौर बनाएंगे। मुझे कहा है बेटी, प्रधानमंत्री जी ने अपना एक मंत्र दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नौजवान मित्रों, वो मध्य प्रदेश की धरती है, हमने तय किया कि बेटी पैदा होगी मध्य प्रदेश में तो लखपति पैदा होगी। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, मैं देखता था मध्य प्रदेश के गांव में भी और शहरों में भी बेटा और बेटी में भेद किया जाता था। बेटा आता था तो स्वागत किया जाता था, बधाइयां गाई जाती थी, भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो माँ का भी चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। मेरे बहनों और भाइयों, सेक्स रेशियो बदल रहा था, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि बेटियों को हम अभिशाप नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। मैं एक सभा में बोल रहा था, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं था, और मैं लोगों को आह्वान कर रहा था, बेटी को आने दो, बेटी है तो कर ले। तो एक अम्मा खड़ी हो गई कि बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, बेटी को आने दो, लेकिन ये तो बता, जब बेटी की शादी होगी तो दहेज का इंतजाम क्या भैया तू करवाएगा। मेरी आंखें खुल गई, मुझे लगा केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, और उपाय करने पड़ेंगे। और इसलिए मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहली योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने बनाई, तो वो योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया, मैंने अपने अफसर बुलाए और मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी हो तो लखपति हो। बोले सर इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। मैंने कहा असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये होगा ही। और हमने योजना बनाई कि बेटी के पैदा होने के बाद 30,000 रुपये के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में देंगे, और इसका पढ़ाई से हमने जोड़ दिया। इसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना, और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। बेटी लखपति होगी मध्य प्रदेश की धरती पर। सपना था कि बेटी लखपति हो, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, पहली से लेकर 12वीं क्लास तक की किताबें शासकीय स्कूलों में माता पिता को नहीं खरीदने देता, मामा मुख्यमंत्री है खुद खरीद खरीद के भिजवाता हूं। पहली से लेकर 12वीं क्लास तक की किताबें निःशुल्क। दूसरे गांव बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, 8वीं पास करके 9वीं पास करके दूसरे गांव जाना हो तो बेटियां पढ़नी छोड़ देती थी, पढ़ाई छोड़ देती थी। मैंने कहा बेटियां पढ़ाई क्यों छोड़ देती हो? बोले मामा 5-6 किलोमीटर दूर गांव है, माता पिता जाने नहीं देते। हमने तय कर लिया, माता पिताओं को बुलाया और कहा बिटिया को स्कूल भेज दो, पैदल नहीं जाएगी, साइकिल दे के भेजेंगे, बिटिया रानी साइकिल पे बैठ के जाएगी। हमने बेटियां बेटियों को साइकिल देना शुरू की। हमने तय किया
एससी की बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, एसटी के बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, ओबीसी के बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक बेटा बेटियों की स्कॉलरशिप, और अब तो सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को भी स्कॉलरशिप देने का फैसला मध्यप्रदेश की धरती पर हमने किया है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, बच्चों में क्या भेदभाव करना है। और मध्यप्रदेश में बेटी बारहवीं में अगर प्रथम श्रेणी पास में पास हो जाएगी तो गांव की बेटी कहलाएगी और कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपया और अलग से पाएगी। और बड़ी हो जाएगी तो शादी की चिंता भी मध्यप्रदेश वाले नहीं करते। मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा थोड़ी लेने देगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, बेटियों की शादी करती है तो मध्यप्रदेश की सरकार करती है। सबसे पहले मध्यप्रदेश की धरती पर मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बेटियों को बहनों को देंगे, 50% रिजर्वेशन। लेकिन एक रहस्य आपको बताना चाहता हूं, इस बार अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो 50% चुन के नहीं आई बहने, 56% चुन के आई, 56%, क्योंकि 50% तो रिजर्व थे ही उनके लिए, 50% और जो बाकी बची थी उन पे भी बहनें डट गई और भाइयों को चुनाव हरा के जीत के आ गई। 70% जिला पंचायत की अध्यक्ष आज महिलाएं हैं मध्यप्रदेश की धरती पर, और ढंग से सरकार चला के भी दिखा रही हमारी बहनें। क्योंकि मुझे, मैं मानता था कि जब तक राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का काम पूरा नहीं होगा। और अब तो तय किया है कि 50% रिजर्वेशन शिक्षक जैसी नौकरियों में बेटियों को देंगे, और 33% रिजर्वेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सभी नौकरियों में बेटियों को देंगे। पुलिस में भी 33% भर्तियां बेटियों की होगी। बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा के वो दिखाएंगे। मध्यप्रदेश हमने इंप्लीमेंट कर दिया सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण। अगर देखना है तो आइए मध्यप्रदेश की धरती पर, शौर्य दल हमने बनाए, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाए, उनको हमने स्ट्रेंथन करने का, सशक्त करने का काम किया है। महिला उद्यमी अगर उद्योग लगाएं तो उनकी चिंता हमने की है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो हमने जन्म से लेके, पैदा होने से लेके अंतिम सांस लेने तक की पूरी व्यवस्था बहनों की है। मध्यप्रदेश की सरकार को माँ बहन और बेटी के साथ खड़ी कर दी है। और मैं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, ये राधे कृष्ण की पवित्र भूमि, इसी धरती पर कभी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वही निवास करेंगे जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी बचाएंगे भी बेटी पढ़ाएंगे भी। और खुशखबरी यह है कि अब मध्यप्रदेश में 0 से लेकर 6 साल तक की उम्र में अगर देखेंगे तो अब बेटियों की संख्या बढ़ने लगी है। और सच में वो उपलब्धि देख के मैं इतना संतुष्ट हुआ कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। समाज के हर वर्ग का कल्याण, ये कांग्रेस हमें किसान की बात करती है, गरीब की बात करती है, क्या बात, क्या, कौन से काम किए गरीबों के लिए कांग्रेस ने कभी बताया? तो 60 साल तुमने सरकार चलाई, गरीब गरीब करते रहे, गरीब का खून चूसते रहे, उसका शोषण करते रहे। ये मोदी जी की दिल्ली में सरकार है जो गरीबों के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं बनाती है, उनके कल्याण के लिए जनधन योजना, गरीबों के बीमे की योजना, सिंचाई की योजनाएं, और अब तो हेल्थ की योजना गरीबों के लिए जो बीमे की प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। क्या करेगी कांग्रेस गरीबों के लिए? अरे देखना है कांग्रेस के मित्रों, आओ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम चाहिए, रोटी चाहिए। इसलिए मध्यप्रदेश की धरती पर हमने ये फैसला किया कि 1 रुपया किलो गेहूं देंगे, 1 रुपया किलो चावल देंगे, 1 रुपया किलो नमक देंगे। किसी गरीब को मध्यप्रदेश की धरती पर भूखा नहीं सोने देंगे। कई लोगों ने विरोध किया कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, 15 रुपया खरीदोगे, 1 रुपया बांटोगे, ये न्याय नहीं है। हमका यही न्याय है। मैं चाहता हूं कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए तो लोगों का बाकी दिन की मजदूरी का क्या करेंगे? हम का कपड़े खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, रेडियो खरीदेंगे, और कोई कोई टीवी भी खरीद लेगा भाई। अरे गरीबों के बच्चों को भी टीवी देख लेने दो, उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। बोलिए न्याय नहीं है,
मैंने कहा यही न्याय है। भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? खदा ने बनाई तो सबके लिए बनाई, बनाई कि नहीं? लेकिन सबके पास तो नहीं है, तो जिनके पास है उनसे हम टैक्स लेंगे और जो खाली हाथ आए हैं उनको सस्ता बांट देंगे। यही सामाजिक न्याय है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो सबसे पीछे सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है सबसे दुखी है, वो ही तुम्हारा नारायण है, उसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो जाएगी। और जो सस्ता राशन मध्यप्रदेश की धरती पर दिया, निःशुल्क दवाइयां, सरदार वल्लभ भाई पटेल दवा वितरण योजना, सारे शासकीय अस्पतालों में दवाइयां फ्री, मेडिकल चेकअप फ्री, एक्सरे फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, सोनोग्राफी फ्री, और अब तो कीमोथेरेपी भी फ्री और डायलिसिस भी फ्री जिला अस्पतालों में हमने व्यवस्था की है। ये गरीबों के लिए किया है तो मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। हाउस फॉर ऑल, सबको मकान, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। क्यों नहीं मिले अब तक सबको मकान? मध्य प्रदेश की धरती पर चलो मेरे मित्रों, हमने संकल्प लिया है, हमने फैसला किया है। वर्षों हो गए कई गरीबों को छोटा मोटा सरकारी जमीन का टुकड़ा मिला या कोई निजी जमीन का टुकड़ा मिला, छोटी मोटी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़िया में रह रहे हैं। उनके पास कई बार प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, अतिक्रमण कर लिया है, हटा देंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे। युवा मित्रों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया है कि जो गरीब कई वर्षों से जिस जमीन पर मकान झोपड़ी बना के रह रहा है, कोई माई का लाल उनको हटा नहीं पाएगा, पट्टा दे के परमानेंट मालिक उसको बनाया जाएगा। इसका अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर हमने प्रारंभ किया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के साथ मिलकर सबको मकान मिले, इसका अभियान हम शुरू कर रहे हैं। कोई बिना मकान का, कोई बिना छत का भाजपा शासित राज्यों में नहीं रहेगा, यह हमारा संकल्प है। उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेरा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, कि मध्य प्रदेश में हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि धन के अभाव में कोई बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे रह नहीं पाएगा। और इसलिए निःशुल्क किताबें, स्कॉलरशिप की मैंने बात कही है आपसे, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। मध्य प्रदेश में अगर 12वीं की परीक्षा में 85% लेके बच्चे आते, मार्क्स लेके आते, तो मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है। कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो स्मार्टफोन दिया जाता है। वो स्मार्टफोन केवल हलो हाय करने के लिए नहीं, इसलिए कि सारी दुनिया की जानकारी और ज्ञान उनकी उंगली के नीचे रहे, वो क्लिक करें, टच करें और सारी दुनिया का ज्ञान उनके सामने आ जाए। किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क, अलग अलग तरह की कई तरह की योजनाएं, स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपसे बताया। और अब तय किया है नौजवान मित्रों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कि हमारे एससी के बेटा बेटी, हमारे एसटी के बेटा बेटी, अत्यंत गरीब बेटा बेटी, उनको हमने तय किया है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए, IIT में एडमिशन हो जाए, IIM में एडमिशन हो जाए, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उच्च शिक्षण संस्थानों में कहीं भी अगर एडमिशन हो जाएगा और फीस भरने की व्यवस्था करनी होगी तो फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यहां तक कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, 4-4 लाख, 3-3 लाख रुपया हर साल की फीस, आखिर बच्चे कहां से भरेंगे? हमने फैसला किया कि इन बच्चों की फीस भरवाने का इंतजाम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे SC ST बच्चे मध्य प्रदेश का हमने देखा कॉलेज में बहुत कम एडमिशन लेते थे। हमका कॉलेज में एडमिशन कम क्यों लेते हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि मामा क्या करें, कॉलेज में पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, हॉस्टल में उतनी जगह मिलती नहीं है, और जब हॉस्टल में स्थान नहीं मिलता तो किराए का कमरा रह के लेना पड़ता है, और कमरे का किराया चुकाने के पैसे माता पिता के पास नहीं होते तो हम फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमका चिंता मत करो, तुम किराए पे कमरा लो और कमरे का किराया भी तुम्हारे माता पिता नहीं चुकाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना हमने बना दी। हमारे प्रतिभाशाली बच्चे अगर विदेश पढ़ने जाते हैं, SC के हों, ST के हों, OBC के हों, गरीब बच्चे हों, हमने तय किया है कि अगर किसी प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो उनकी फीस भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मोहताज नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, हमने कहा मेक इन इंडिया के लिए आओ मेक इन मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में हम केवल बड़े उद्योगपति नहीं चाहते, हम चाहते हैं बड़ा निवेश भी आए, विदेश से भी निवेश आए,
उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक सपना और है मेरा कि मध्य प्रदेश के बच्चे ही उद्यमी बन जाएं, वो खुद उद्योग लगाएं। मैंने मध्य प्रदेश के बच्चों से कहा, तुम्हें क्षमता है, तुम्हें प्रतिभा है, तुम्हें योग्यता है, क्या कमी है तुम्हें? आओ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओ, लगाओ अपना उद्योग। तो बच्चे कहने लगे, मामा मजाक कर रहे हो, लगाएं काहे में? तो मैंने कहा तीन चीजें चाहिए उद्योग लगाने के लिए। नंबर एक, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सरकार की तरफ से दिलवाने में मैं पूरा सहयोग करूंगा। नंबर दो, जो चीज बना ले उसकी मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, वो मार्केटिंग ब्रांडिंग करने में सरकार सहयोग करेगी। लेकिन बच्चों का, मामा पैसे कहाँ से आएंगे ये तो बता दो। तो मध्य प्रदेश हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और युवा उद्यमी योजना, दोनों में हमने तय किया। युवा उद्यमी योजना में हमने तय किया कि जो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, लघु उद्योग लगाए, कुटीर उद्योग लगाए, वो लगाने के लिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन उसको बैंक देगा। लेकिन बैंक देते नहीं थे, बैंक वाले कहते थे गारंटी कौन लेगा, हमें तो गारंटी चाहिए, बच्चों के माता पिता गारंटी दे दें तो हम उनको पैसे दें, बड़े उद्योगपतियों को मिल जाए, छोटों को नहीं मिलता था। हमने कहा तुम चिंता मत करो, तुम तो बच्चों को उद्योग लगाने के लिए लोन दो, लोन को वापस करने की गारंटी भी उनका मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। मेरे नौजवान मित्रों, मैं गर्व के साथ कहता हूं आज मध्य प्रदेश की धरती पर छोटे छोटे उद्यमी लगातार खड़े हो रहे हैं, 1 करोड़ रुपया तक के वो अपने उद्योग लगा रहे हैं। और ये गर्व और प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं कि सफल युवा उद्यमी मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है। युवा स्वरोजगार योजना में भी लोन की गारंटी हम लेते हैं, 5 साल तक 5% ब्याज भी बच्चे नहीं भरते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भरवाते हैं ताकि उसका उद्योग ढंग से चलने लग जाए। और इसलिए लघु और कुटीर उद्योगों का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार बिछड़ा है। और केवल लघु कुटीर उद्योग नहीं, बड़े उद्योग आए उसका प्रयास भी हम कर रहे हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। समाज के हर वर्ग का कल्याण अगर देखना है तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में देखो। एक बार मैंने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई, मेरे बुजुर्गों से पूछा बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं, तो कहने लगे बेटा किसी ने रोटी की बात की, किसी ने आश्रम की बात की, लेकिन एक बुजुर्ग खड़े हो गए, कहा बेटा रोटी मोटी तो हो ही जाती है लेकिन तीर्थ दर्शन तो करवा दे रहे शिवराज। मैं चक्कर में पड़ गया कि तीर्थ दर्शन कैसे करवाऊं। फिर मैंने दिमाग लगाया, ऑफिसर्स बुलाए कि तीर्थ यात्रा की योजना बनाओ। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश में कि 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होगी उनको सरकार तीर्थ यात्रा के लिए ले जाएगी, स्पेशल ट्रेन जाएगी, अलग अलग तीर्थ हमने तय कर दिए। चारों धाम की यात्रा करना है, चारों धाम जाओ आपको, उसके अलावा हरिद्वार जाना है, बनारस जाना है, तिरुपति बालाजी जाना है, वैष्णो देवी जाना है, अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाना है, अलग अलग स्थान हमने तय कर दिए कि अगर जाना है तो 60 साल से ऊपर की उम्र के जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन जाएगी, विशेष रेल, घर से उनको बस में बिठा के रेलवे स्टेशन पर लाएंगे, वहाँ स्वागत करेंगे, फिर ट्रेन में बैठाएंगे। मान लीजिए बद्रीनाथ धाम जाना है तो हरिद्वार ट्रेन से उतरेंगे, वहाँ से बस में बैठाएंगे, बद्रीनाथ ले जाएंगे और फिर वापस लाएंगे ट्रेन में बैठा के, और फिर घर वापस छोड़ के आएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश में बन गई। लेकिन बुजुर्ग मुझे, एक बुजुर्ग ने कहा बेटा मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बेटा तूने अगर हमको बद्रीनाथ भेजा और हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने उतरे तो पानी तेज बहता है, अगर वहीं गंगा जी में सरक गए तो? तो मैं इनका क्या करूं? बोले बेटा बूढ़ों के साथ एक जवान और भेज, थोड़ी और हिम्मत कर तो यात्रा में और मजा आ जाएगा। तो हमने तय कर दिया कि 65 साल से ऊपर की जितने बुजुर्ग हैं उनके साथ एक जवान भी तीर्थ यात्रा करने ले जाएगा, उसका खर्चा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। सचमुच में सोशल सेक्टर में जो काम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुए वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। मैं गर्व के साथ आज कहता हूं युवा मोर्चे के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि अगर गरीबों की पार्टी आज कोई हिंदुस्तान में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, अमित जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। किसानों की पार्टी अगर आज हिंदुस्तान में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। नौजवानों की पार्टी अगर आज के जमाने में है कोई तो कौन है? अरे कौन सी पार्टी है? केवल भारतीय जनता पार्टी। विकास की नई इबारत मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में लिखी जानी है। और इसलिए युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को मैं केवल एक ही आह्वान करता हूं कि हमारे खिलाफ
जो जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, वातावरण बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अरे ऐसी कांग्रेस, शर्म आती है, लज्जा आती है कांग्रेस का स्वरूप देख के। वो कांग्रेस जिसमें कभी महात्मा गांधी रहे हो, उस कांग्रेस के उपाध्यक्ष आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाएं और देशद्रोहियों के पक्ष में अभियान चलाएं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी, शर्म आनी चाहिए। क्या हालत आज कांग्रेस की हो गई? हम कहना चाहते हैं, खुलेआम कहना चाहते हैं, सरेआम कहना चाहते हैं, पूरा भारत हमारा है, हम सबके सेवक हैं, हम विद्वेष की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी दोनों बाहें फैला के सबको गले लगाती हैं। अमित जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं, दुनिया उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम कर रहे हैं। मोदी जी हमारे आदर्श हैं, हम सबको गले लगाएंगे। लेकिन कान खोल के दुनिया ये सोच ले कि भारत माता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। बहनों और भाइयों, राष्ट्रद्रोह किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं है। ये डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है। इससे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं, गांव गांव जाओ, अलख जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, जो नहीं समझो उनको भी समझाओ, मोदी जी की योजनाएं गांव गांव तक ढंग से ले जाओ और एक एक नौजवान में उत्साह का संचार करो। आप सबको मेरा केवल यही निवेदन है, युवा मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं को, कि ये समय बैठने का नहीं है, ये योजनाओं को गांव गांव ले जाने का समय है। और इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करो, प्रयत्नों की परिसीमा करो। बचपन में मैंने किसी महापुरुष से यह सुना था कि अच्छा कार्यकर्ता कौन, तो मैंने जो सुना था वो तुम्हें सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ, ये चार गुण चाहिए। पाँव में चक्कर मतलब चरेवेती चरेवेती, अपने कार्य क्षेत्र में लगातार घूमते रहो, लगातार प्रवास करते रहो, दौरा करते रहो। बयान जारी करने से भला नहीं होने वाला, केवल कार्यालय में बैठक करके कुछ नहीं होने वाला। अपना कार्य क्षेत्र मंडल है तो मंडल, जिला है तो जिला, प्रदेश है तो प्रदेश, बस प्रवास करते रहो। पाँव में चक्कर और मुंह में शक्कर मतलब अच्छा बोलो, प्रिय बोलो, कार्यकर्ताओं से स्नेह से और प्रेम से बोलो। अपना कार्यकर्ता और कुछ नहीं चाहता, और इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपों को शीतल करे औरों शीतल होए। मुंह में शक्कर और सीने में आग मतलब काम करने की आग, एक तड़प कि मेरे यहाँ हमारा संगठन सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा, उसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बढ़िया से बढ़िया काम, समाज के हर वर्ग में काम, सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, वो खड़ा करके दिखाऊंगा, तो मैं करके दिखाऊंगा। ये सीने में आग और माथे पे बर्फ मतलब दिमाग ठंडा होना चाहिए। कई बार उल्टा हो जाता है, सीने में आग होती नहीं, राख ही राख होती है, और दिमाग हमेशा गर्म रहता है तो उससे काम बिगड़ता है। और इस मूल मंत्र को लेके अपने कार्य क्षेत्र में जाइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये पूरे देश में जाके अपने अपने कार्य क्षेत्र में बताइए। मैं फिर कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, नौजवान कार्यकर्ताओं भगवान का वरदान है सचमुच में। ऐसा प्रधानमंत्री सचमुच में गर्व होता है, कहां से कहां देश पहुंच रहा है, उनके साथ हम खड़े हैं, उनकी नीतियों को गांव गांव ले जाएंगे। और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सफलता का झंडा फहराएगी और 2022 तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र धुन बनाएगी, विश्व गुरु बनाएगी। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बस एक और, स्वच्छ भारत मिशन जैसे जितने सामाजिक अभियान माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जितने अभियान माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किए, पर्यावरण बचाने जैसे जितने अभियान मोदी जी ने प्रारंभ किए, आओ उन सबको हम सफल बनाने का संकल्प लें, उनको सफल बनाने का संकल्प लें, उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी करें। स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपने आप को समर्पित करें, बेटी बचाओ के लिए अपने आप को समर्पित करें, पर्यावरण बचाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। गंगा जी के शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है उसमें अपना योगदान दें, और अपना योगदान देने के लिए आइए हम संकल्प करें कि मोदी जी हम आपके पीछे खड़े हैं, हम इन अभियानों को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय हम सब बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद,
और अरुण जेटली जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और अब हमारे बीच में हमारे प्रिय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी आ गए। आइए अरुण जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आइए अरुण जी, आपका स्वागत है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के अरुण जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।